दोस्तों, घर में अगर आपके धन की कमी है तो सावन में शमी के पेड़ की जड़ को लेकर शिव जी पर चढ़ाए और फिर उसे अपनी तिजोरी में लाकर रख ले। इसे धन का संकट दूर होगा। अगर आपके जीवन में कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे तो सावन के महीने में शिवलिंग पर दही चढ़ाए, जिसे भोले बाबा को दही बहुत पसंद है और इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। अगर आप बार बार कार्य में असफल हो रहे हैं तो सोमवार के दिन 21 बिलो पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाए, इससे आ रही बाधाएं दूर होंगी। अगर शादी में बार बार अड़चन आ रही है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाया, ऐसा करने से विवाह की अड़चनें दूर होंगी। आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो आप हरा चारा लाकर बैल को खिलाए। बैल नंदी का रूप होते हैं जिसे शिव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। आपके ऊपर परेशानियों का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर आपकी आमदनी के साधन बढ़ने के बजाय खत्म हो रहे हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाए, जिसे शिव जी प्रसन्न होते हैं। राहु केतु के